हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आशीष रावत और आज हम सीखेंगे घर बैठे एसियल सर्जरी के बाद की एक्सरसाइज। सबसे पहले आप अपने दोनों पाँव को सीधा कर दें और जिस पैर की एसियल सर्जरी हुई है उस पैर के घुटने को टाइट करते हुए धीरे धीरे एड़ी को ऊपर उठाने की कोशिश करें, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। साथ में अपने उस पैर की उंगलियों को अपनी ओर खींच के रखें और इस एक्सरसाइज को 25 से 30 बार जरूर करें। यह एक्सरसाइज करने से आपके घुटने और थाइस में मजबूती आती है। अब दूसरी एक्सरसाइज, इसमें आपको अपने टो को अंदर और बाहर की ओर खींचना है, जिस प्रकार आप वीडियो में देख रहे हैं। इस एक्सरसाइज को भी आपने 25 से 30 बार करना है। यह एक्सरसाइज करने से आपके एंकल और काफ मसल्स में स्ट्रेंथ आने लगती है। इस एक्सरसाइज को रेगुलर करना है। अब हम तीसरी एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें आपने सबसे पहले चादर या फिर टॉवल को लेकर रोल कर देना है, जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ। आपने अपने टॉवल या चादर को लेकर रोल करना है और अपनी एड़ी के नीचे इस प्रकार रख देना है, या फिर आप दूसरे की मदद लेकर इस प्रकार रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा है। अब आपने घुटने को नीचे की ओर धीरे धीरे दबाने की कोशिश करनी है। इसे आप कम से कम 50 से 60 बार जरूर करें और साथ में आप इसे होल्ड के साथ भी कर सकते हैं, जैसे 5 सेकंड के लिए घुटने को नीचे की ओर दबा के रखें। उसके बाद धीरे से घुटने को ढीला छोड़ते हुए थोड़ा ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करें, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इसे भी आप 15 से 20 बार कर सकते हैं होल्डिंग के साथ। अब हम चौथी एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें आपने रोल हुई चादर को अपने घुटने के नीचे इस प्रकार रख देना है, जैसे मैंने रखा है। अब आपने अपने घुटने को नीचे दबाते हुए एड़ी को ऊपर उठाना है धीरे धीरे। साथ में आपने पैरों की उंगलियों को अपनी ओर खींच के रखना है। इस एक्सरसाइज में आप अपनी थाई को टाइट करते हुए 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को भी आपने 25 से 30 बार जरूर करना है। अब हम सीखेंगे पांचवी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपने एसियल हुए वाले पांव को दूसरे पांव से सपोर्ट देते हुए ऊपर की ओर उठाना है और नीचे लाते समय उसे दूसरे पांव से पीछे की ओर और मोड़ने का प्रयास करना है। वापस से जब हम पांव को ऊपर की ओर उठाएंगे, वहां पर आपने कम से कम 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। जब आप वापस पांव को सपोर्ट देते हुए नीचे लाएंगे, जब आप पांव को दूसरे पांव से और मोड़ने का प्रयास करेंगे, तो आपने यहां पर भी 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इसी एक्सरसाइज को कम से कम आपने 15 से 20 बार रेगुलर करना है और यह हर एक्सरसाइज आपने दिन भर में 3 से 4 बार जरूर करें। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो या कुछ हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।